हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल वाईटी स्टेशनरी पर। तो गाइस, आज की वीडियो काफी ज्यादा यूनिक होने वाली, इसलिए वीडियो को शुरू से लेकर लास्ट तक जरूर देखना, क्योंकि आज की वीडियो में हमारे पास है अलग अलग तरह के क्रेयॉन्स कलर, जिनका गाइस हम डिटेल में रिव्यू करेंगे। एंड गाइस, लास्ट में आपको बताएंगे मुझे कौन सा कलर ज्यादा बेस्ट लगा, एंड गाइस आपके लिए कौन सा कलर ज्यादा बेस्ट होने वाला है। मैं आपको बता देता हूँ आज की वीडियो में हमारे पास कौन कौन से कलर। एक तो हमारे पास ट्विस्टेबल क्रेयॉन्स है, एंड गाइस सेकंड हमारे पास प्लास्टिक क्रेयॉन्स है डॉम्स की तरफ से, एंड गाइस थर्ड हमारे पास वैक्स क्रेयॉन्स है डॉम्स की तरफ से, एंड गाइस फोर्थ एंड गाइस लास्ट कलर हमारे पास है इरेजेबल क्रेयॉन्स, जो गाइस इरेज हो जाते हैं। तो गाइस इन सभी का आज हम डिटेल में रिव्यू करेंगे। तो गाइस ज्यादा समय ना लेते वीडियो को स्टार्ट करते हैं। एंड गाइस वीडियो में आगे बढ़ने से पहले, अगर आपने हमारे चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया तो गाइस जल्दी से सब्सक्राइब कर दे, क्योंकि फ्यूचर में आपको बढ़िया स्टेशनरी की वीडियो देखने की इसी तरह मिलती रहेगी। तो गाइस चैनल को जल्दी सब्सक्राइब कर दे। तो वीडियो को स्टार्ट करते हैं हमारे इन सभी कलर्स के ओवरव्यू से। तो गाइस ये देखिए, सबसे फर्स्ट में हमारे पास आते हैं वैक्स क्रेयॉन्स, एंड गाइस सेकंड में हमारे पास प्लास्टिक क्रेयॉन्स आते हैं, एंड गाइस ये देखिए थर्ड में हमारे पास इरेजेबल क्रेयॉन्स, एंड गाइस फोर्थ एंड लास्ट ट्विस्टेबल क्रेयॉन्स, जो थोड़े से ट्विस्ट होकर चलते हैं उस तरह क्रेयॉन्स आते हैं। तो गाइस सबसे पहले हम रिव्यू करते हैं हमारे वैक्स क्रेयॉन्स, जो नॉर्मल सभी के पास होते हैं, नॉर्मल मार्केट में भी मिल जाते हैं, एंड गाइस सभी इसे यूज करते हैं शुरुआत में। एंड गाइस ये 12 शेड्स में थोड़े से बड़े साइज में हमें देखने को मिलते हैं, एंड गाइस एमआरपी इसका 30 रुपीस है। तो गाइस इसे ओपन कर लेते हैं। तो गाइस ये देखिए इस साइड से ओपन होते हैं। तो गाइस ये देखिए इस तरह ट्रे में हमें देखने मिलते हैं। डॉम्स की ब्रांडिंग है, कंपनी मुझे डॉम्स की वैसे काफी ज्यादा बेस्ट लगती है, वैसे मैपड की बढ़िया है पर डॉम्स की मुझे ज्यादा बेस्ट लगती है। ये देखिएगा इस डॉम्स की पूरी ब्रांडिंग हमें देखने मिलती है, कलर्स के कलर की क्वालिटी वैसे तो बढ़िया है, एंड गाइस थोड़े थोड़े से हमें मतलब वैसे इतनी हैवी क्वालिटी नहीं देखने मिलती जिस तरह प्लास्टिक क्रेयॉन्स से थे, उसका भी रिव्यू करते हैं। पहले गाइस ये देखिए सिल्वर कलर है ये देखिए, एंड गाइस इसको अब बाद में हम चलाकर भी देखेंगे। तो गाइस ये क्वालिटी वाइज ये भी बेस्ट है, नॉर्मल यूज के लिए ये काफी बेस्ट होते हैं। एंड गाइस ये हमारा प्लास्टिक क्रेयॉन्स है, तो गाइस इनको भी हम ओपन कर लेते हैं। तो गाइस ये हमारी पूरी प्लास्टिक क्रेयॉन्स, यहाँ पे हमारी ब्रांडिंग देखने मिलती है, एंड गाइस ये हमारे 28 शेड्स में हमें देखने मिलते हैं। एंड गाइस इसके एक छोटी पैकिंग में आती है, उसमें हमें 14 कलर्स देखने को मिलेंगे। एंड गाइस इसका एमआरपी 100 रुपए देखने मिलता है, इसकी जो छोटी पैकिंग होती है उसका 60 रुपए एमआरपी होता है मैक्सिमम। एंड गाइस ये पूरी टीन की पैकिंग होती है, इसमें क्या कलर टूटने में डर भी नहीं होता, एंड गाइस काफी बढ़िया से कैरी हो जाते हैं इसमें अंदर। इसको भी अनबॉक्स कर लेते हैं। तो गाइस ये देखिए अनबॉक्स करते साथ साथ हमें देखने को मिलता है इसके जो कैप के ऊपर भी हमें डॉम्स की ब्रांडिंग देखने को मिलती है। एंड गाइस ओपन करने के बाद सबसे पहले हमें एक ब्लैक कलर का शार्पनर देखने मिलता है, जो गाइस छोटे साइज का शार्पनर है। एंड गाइस उसके बाद हमारे मेन कलर हमें देखने मिलते हैं, जो गाइस ये देखिएगा इस कलर को किस तरह के हमें देखने मिल जाते हैं, पूरे 28 शेड्स हमें देखने मिलते हैं कलर्स के। तो गाइस कलर तो देखने में काफी बढ़िया हमें देखने मिलते हैं, पूरे नियॉन कलर ब्राइट कलर हमें देखने मिलते हैं, जो गाइस चलने में ये काफी ज्यादा स्मूथ है, मैंने पर्सनली इसे यूज भी करके देखा है। एंड गाइस कंपेयर करें अगर वैक्स क्रेयॉन्स के मुकाबले, तो गाइस ये वाले कलर मुझे ज्यादा बेस्ट लगते हैं। आप भी मुझे कमेंट में बताना कि वैक्स क्रेयॉन्स ज्यादा बेस्ट है या फिर प्लास्टिक क्रेयॉन्स, पर गाइस मुझे तो प्लास्टिक क्रेयॉन्स बेस्ट लगते हैं, क्योंकि एक तो इनके कलर इतने ब्राइट होते हैं, एंड गाइस चलने में काफी ज्यादा स्मूथ होते हैं। ये स्मूथ तो आपको पता चल ही जाएगा जब हम इसके चलाकर देखेंगे लास्ट में। तो गाइस इसको रख देते एक बार साइड में। गाइस अब हम बात करते हैं हमारे इरेजेबल क्रेयॉन्स के, जो गाइस 12 शेड्स प्लस 2 शेड हमें मतलब पूरे 14 शेड्स में हमें कलर देखने मिलते हैं। एंड गाइस इसमें क्या लिखा है, इजी टू इरेज, मतलब ये इरेज काफी आसानी से हो जाते हैं। एंड गाइस बैक साइड की बात करें तो गाइस यहाँ पे हमारा एमआरपी 85 रुपीस एमआरपी देखने मिलते हैं, यहाँ पर भी इरेजेबल क्रेयॉन्स फ्लेयर की क्रिएटिव ब्रांडिंग हमें देखने मिलती है। तो इसी के साथ हम करते हैं कलर को अनबॉक्स। तो गाइस सबसे पहले इसको ओपन करके बाहर निकालते हैं। तो गाइस ये देखिए ट्रायंगुलर शेप है, एंड गाइस दो टिप में हमें देखने मिल जाते हैं, एक तरफ तो हमें लार्ज साइज की टिप देखने मिलती है, दूसरी साइड हमें फाइन टिप देखने को मिलती है। एंड गाइस एक हमें इसमें इरेजर देखने मिलती है, क्यूब इरेजर। तो गाइस कलर अगर बात करें तो गाइस ये देखिए जैसे हमारे प्लास्टिक क्रेयॉन्स थे ना, उन्हीं के हिसाब से काफी ज्यादा बेस्ट है, हमें देखने मिलते प्लास्टिक क्रेयॉन्स की तरह ही देखने मिलते हैं शाइनिंग वाले कलर, पर थोड़े से नियॉन नहीं, ये थोड़ी सी डार्क शेड हमें देखने मिल जाती है, नियॉन कलर नहीं है, थोड़े से डार्क कलर देखने मिलते हैं। इसमें क्या सिल्वर एंड गोल्डन मुझे काफी ज्यादा बेस्ट लगा, एंड गाइस येलो कलर भी काफी बढ़िया है। तो इसको रख देते एक बार साइड में, बाद में यूज करके देखते किस तरह के इरेज होते हैं या फिर नहीं होते हैं। तो गाइस ये बाद में आपको बताया चलेगा। तो इसके बाद हमारा नेक्स्ट कलर हमारे पास आते हैं, ये देखिएगा इस मैपड की तरफ से आने वाले कलर पिप्स ट्विस्ट कलर देखने में, जो गाइस ट्विस्टेबल क्रेयॉन्स ही कह सकते हैं इनको। एंड गाइस ये बाहर से पैकिंग पूरी ट्रांसपेरेंट है, ट्रांसपेरेंट नहीं ब्लू कलर की प्लास्टिक पैकिंग देखने मिलती है। एंड गाइस बैक साइड की बात करें तो गाइस बैक साइड इसका एमआरपी 285 रुपीस एमआरपी देखने मिलते हैं। एंड गाइस पूरे 12 कलर्स का ये हमें सेट देखने को मिलता है। तो गाइस इसको भी मैं ओपन करके आपको दिखा देता हूँ ये किस तरह के कलर हमें देखने मिलते हैं। तो गाइस ये देखिए यहाँ से हमारे ये ओपन होते हैं, तो गाइस ओपन कर लेते हैं। ओपन करने के बाद ये देखिएगा पूरे 12 कलर्स की हमें यहाँ पे पूरी ट्रे देखने को मिलती है, ये देखिएगा ट्रे देखने को मिलती है, पूरे प्लास्टिक की पैकिंग हमें देखने मिलती है, अंदर शायद इसके कलर होगा, हाँ अंदर इसके कलर, ये देखिएगा इसमें आपको उठाकर दिखाता हूँ, ये नहीं ब्लू नहीं ये ग्रीन वाला। तो गाइस ये देखिए यहाँ पे हमारी टिप देखने मिलती है, ये हमारे जिस तरह के स्केच की टिप होती है उस तरह की टिप देखने मिलती है, ये हमारे क्रेयॉन्स कलर है। तो गाइस ये देखिए पूरी प्लास्टिक की पैकिंग है, एंड गाइस देखने में काफी बढ़िया, एंड गाइस यूनिक कलर हमें देखने मिल जाते हैं इन सभी कलर से। अगर बॉडी
की बात करें ना तो भाई मुझे इसकी बॉडी काफी ज्यादा बेस्ट लगी क्योंकि काफी यूनिक सा डिजाइन हमें देखने को मिल जाता है। तो भाई इसमें से क्या मैं एक कलर आपको दिखा देता हूँ ओपन करके किस तरह से ये वर्क करते हैं। तो भाई ये देखिए हमारा कलर पिप्स ट्विस्ट लिखा हुआ देखने मिलता है मैपेट की ब्रांडिंग एंड इस कलर को कुछ इस तरह से ट्विस्ट करेंगे ना ये घुमाने के बाद ये देखिएगा एक साइड से हमारा कलर कितना बढ़िया तरीके से ये बाहर निकलता है इस तरह घुमाने के बाद ये देखिएगा इसे एंड इसी को रिवर्स अगर हम घुमाएंगे तो गाइस ये कलर बिल्कुल अंदर चला जाएगा। ये देखिए हमारी पेन के अंदर चला गया ना सॉरी बैरल के अंदर चला जाता है जिस तरह का लेड होता है ना सिस्टम उस तरह का ये सिस्टम हमें देखने मिलता है। मुझे इसका मैकेनिज्म काफी बढ़िया लगा। तो गाइस अब हम इन सभी कलर्स को टेस्ट करके देखते हैं ये चलते किस तरह के हैं। तो गाइस सबसे पहले शुरू करते हैं हमारे वैक्स क्रेयॉन से। तो गाइस इसमें से हम ये देखिए 7 बॉक्स है 1 2 3 4 5 6 7 इन सातों बॉक्स में एक एक कलर भरते हैं। तो गाइस ये देखिए सबसे पहले पिंक कलर है तो इसको भी हम चलाकर देखते हैं। ये देखिए इस पिंक कलर हो गया उसके बाद येलो कलर। तो गाइस जल्दी जल्दी से पहले चला लेता हूँ मैं। तो गाइस आप हमारे प्लास्टिक क्रेयॉन्स को चलाते हैं इसको भी हम जल्दी जल्दी से पहले चला लेते हैं। तो हमने प्लास्टिक क्रेयॉन्स को भी चला लिया एंड गाइस वैक्स क्रेयॉन्स को भी चला लिया। तो गाइस अब चलाते हैं हमारे ट्विस्टेबल क्रेयॉन्स को जो है ये देखिए मैपेट की तरफ से आते हैं। तो गाइस इनको मैं जल्दी जल्दी से पहले चलाकर देख लेता हूँ किस तरह के चलते हैं। तो गाइस अब बारी आती है हमारे ये वाले इरेजेबल क्रेयॉन्स की जो फ्लेयर की तरफ से आते हैं। तो गाइस इनको भी हम चलाकर देख लेते हैं ये किस तरह के चलते हैं। तो गाइस सबसे पहले हम ग्रीन कलर को चलाते हैं ये भी जल्दी जल्दी चला लें पहले फिर करते हैं बात। तो गाइस चलाकर हमने सभी कलर्स को चला के देख ली वैक्स क्रेयॉन्स प्लास्टिक क्रेयॉन्स ट्विस्टेबल क्रेयॉन्स इरेजेबल क्रेयॉन्स सभी कलर्स को चलाकर देखा। पर गाइस चलने में मुझे अगर बात करें ना जो प्लास्टिक क्रेयॉन्स ट्विस्ट कलर एंड गाइस इरेजेबल क्रेयॉन्स ये तीनों कलर हमें सेम ही देखने को मिलते हैं ज्यादा मतलब कोई भी डिफरेंस हमें देखने को मिलता है चलाने में तीनों की क्वालिटी सेम है। एंड गाइस जो वैक्स क्रेयॉन्स है इनमें थोड़ा गया है चलाने में जब ना थोड़ा सा डस्ट क्रिएट करते ये देखिए आप देख सकते हैं थोड़ी सी इसमें डस्ट ज्यादा आती है पर ये वाले कलर है काफी बढ़िया चलते हैं प्लास्टिक कलर्स है एंड गाइस ये बाकी सब कलर ये काफी स्मूथ भी चलते हैं। एंड गाइस स्मूथ की बात करते हो स्मूथ तो गए सभी चलते क्योंकि एक तो वैक्स क्रेयॉन्स की मतलब सॉरी क्रेयॉन्स कलर है ना इसलिए स्मूथ तो चलेंगे। बस क्वालिटी वाइज ये तीनों कलर्स मुझे काफी ज्यादा बेस्ट लगे। एंड गाइस ये इरेजेबल क्रेयॉन्स है इसको हम इरेज करके देखते हैं ये इरेज होते हैं या फिर नहीं होते क्योंकि सबसे मेन बात ये इरेज होंगे कि नहीं होंगे। तो ये सबसे पहले कर लेते हैं हम इन्हें इरेज। तो गाइस आप देख सकते हैं हमारे इतना इरेज करने के बाद भी हमारे कलर जो है ना थोड़े थोड़े से हमें देखने को मिलते हैं मतलब पूरे अगर जैसे इन्होंने लिखा है इरेजेबल क्रेयॉन्स उस तरह से पूरे इरेज होने चाहिए जैसे पेंसिल इरेज होती है ना उसी तरह ये कलर इरेज होने चाहिए पर ये उस तरह नहीं होते पर थोड़े थोड़े से हमें देखने मिलते हैं पर क्वालिटी वाइज चलने में वैसे बेस्ट है। अगर इरेज की बात करें तो इसमें क्वालिटी थोड़ी सी हमें कम देखने मिलती है। तो गाइस अब हमने सभी का रिव्यू भी देख लिया सभी को चलाकर भी देख लिया। चलने में अगर बात करें तो थोड़े से वैक्स क्रेयॉन्स की क्वालिटी थोड़ी सी हमें कम देखने को तो बाकी सारे कलर बिल्कुल बढ़िया चलते हैं चलने में काफी ज्यादा बेस्ट है। एंड गाइस अगर एमआरपी की बात करें तो गाइस एमआरपी सबसे ज्यादा हमें इन कलर्स के देखने मिलते हैं ट्विस्टेबल क्रेयॉन्स इनका एक तो मैकेनिज्म हमें देखने मिलता है इसलिए थोड़ा सा एमआरपी ज्यादा देखने मिलता है एंड चलने में ये भी काफी बेस्ट है। एंड गाइस अगर लुक की बात करें तो गाइस मुझे इनके लुक काफी ज्यादा बेस्ट लगे इसलिए भी एमआरपी के हिसाब से आपके लिए बेस्ट होने वाला है। अगर आप लुक के हिसाब से लेना चाहते हैं तो ये कलर आपके लिए काफी ज्यादा बेस्ट होने वाले हैं। एंड गाइस अगर आप बिल्कुल कम रेंज में देखना चाहते हैं तो गाइस वैक्स क्रेयॉन्स आपके लिए काफी ज्यादा बेस्ट होने वाले हैं। एंड गाइस जो प्लास्टिक क्रेयॉन्स है थोड़े से कॉस्टली तो होते हैं पर गाइस चलने में इनके भी काफी ज्यादा स्मूथ चलते हैं। एंड गाइस कलर ऑप्शन बहुत हमें देखने मिलते 28 शेड्स में हमें कलर देखने मिल जाते हैं। एंड गाइस सभी कलर्स को कैरी करना काफी ज्यादा आसान हो जाता है इस बॉक्स में इसलिए काफी ज्यादा बेस्ट होने वाले। एंड गाइस जो इरेजेबल क्रेयॉन्स की बात करें तो गाइस ये इरेजेबल क्रेयॉन्स वैसे तो चलने में तो बेस्ट है। एंड गाइस दो टिप में देखने मिलते हैं फाइन एंड लार्ज टिप। अगर इरेज करने के हिसाब से अगर बात करें तो गाइस ये मुझे थोड़े से बेस्ट मुझे नहीं लगे क्योंकि ये इरेज करते हैं थोड़े थोड़े से हमें देखने मिलते हैं पर गाइस अगर आप बाय भी करना चाहते हो तो गाइस गिफ्ट वगैरह में आप बाय करके इसको दे सकते हैं काफी ज्यादा बेस्ट होने वाले। एंड गाइस चलने में सभी का आपने टेस्ट भी देख लिया तो गाइस अब आप मुझे कॉमेंट में ये जरूर बताने की आपको इन सभी कलर्स में से कौन से कलर ज्यादा बेस्ट लगे। गाइस मुझे तो प्लास्टिक क्रेयॉन्स एंड गाइस ट्विस्टेबल क्रेयॉन्स काफी ज्यादा बेस्ट लगे। तो गाइस आज का रिव्यू वीडियो यहीं पे खत्म होता है। तो गाइस आप मुझे कमेंट में जरूर बताना कि आपको आज का रिव्यू वीडियो कैसा लगा। तो गाइस आज की वीडियो में बस इतना ही। अगर वीडियो अच्छी लगे तो गाइस
लाइक कमेंट शेयर सब कुछ कर देना, और भी ऐसी स्टेशन रिलेटेड वीडियो को देखने के लिए हमारे चैनल को जल्दी से सब्सक्राइब कर दे, क्योंकि फ्यूचर में आपको बढ़िया बढ़िया स्टेशन की वीडियो देखने को मिलती रहेंगी इसी तरह, तो इस चैनल को जल्दी सब्सक्राइब कर दे। सो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए गुड बाय, टेक केयर, बाय बाय।